आज हम लोग बात करते हैं बच्चों रेनॉल्ड्स नंबर, REYNOLDS, रेनॉल्ड्स नंबर। इसको RE से रिप्रेजेंट करते हैं। RE इक्वल टू क्या होता है बच्चों? ये होता है रो वी डी अपॉन में ईटा। रेनॉल्ड्स नंबर एक ऐसा नंबर है जो नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड को बताता है। मतलब सर, अगर RE की वैल्यू 0 से 2000 के बीच में रह रहा है, 0 to 2000, तो फ्लो कैसा कहलाएगा? स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, अगर RE की वैल्यू 2000 से 3000 के बीच में रह रहा है, 2000 टू 3000 के बीच में रह रहा है, तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। और अगर RE की वैल्यू 3000 से ज्यादा हो जाए, RE की वैल्यू ग्रेटर देन 3000, तो फ्लो कैसा हो जाता है? ये फ्लो हो जाता है टर्बुलेंट। तो ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट में इसका पॉइंट क्या होगा। ये कैसी क्वांटिटी होती है? डायमेंशनलेस। इसका डायमेंशन नहीं होता। कभी कभी आता है प्रूफ दैट रेनॉल्ड्स नंबर इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, एक नंबर में आ जाए और आपको फॉर्मूला याद ही नहीं रहेगा तो सारा खेल खत्म। ठीक है, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। कैसी होती है मैं वो भी प्रूफ करके आपको दिखा देता हूं। देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूं, RHS क्या है आपके पास? रो वी डी अपॉन में ईटा। रो मतलब डेंसिटी, और डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है जल्दी बताओ? एम्प्टी माइनस टू। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम। ये हो गया एम अपॉन के जी अपॉन में मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा जल्दी बोलो? हाँ, डायमेंशन क्या होगा जल्दी बताओ? डायमेंशन ये हो जाएगा एम, हाँ एम एल माइनस थ्री। क्या होगा? के जी है तो मास हो गया, और एल की पावर माइनस थ्री। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? एल टी माइनस वन। डीप और डायमीटर ऑफ ट्यूब, डायमीटर का क्या होगा? एल। और कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या होता है? एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं सबको, देखो क्या दिखाई देता है। जैसे सॉल्व करेंगे तो रो वी डी अपॉन में ईटा का देखो क्या आ रहा है। एम से एक एम कैंसिल, मतलब हो गया एम की पावर जीरो। एल की पावर क्या दिख रहा है? माइनस थ्री प्लस वन प्लस वन, और ये वाला माइनस वन है ऊपर जाके भी क्या होगा? प्लस वन हो जाएगा। टी की पावर देखो क्या होगा, टी की पावर ऊपर दिख रहा है माइनस वन, और नीचे वाला माइनस से ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस वन। क्या मिला जल्दी बताओ? हाँ, ये मिला रो वी डी अपॉन में ईटा इक्वल टू एम जीरो एल जीरो एंड टी जीरो। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। बात समझ आ गई? तो लिखो बच्चों रेनॉल्ड्स नंबर, फटाफट लिखिए। रेनॉल्ड्स नंबर इज अ नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर इज अ नंबर विच डिटरमाइंस या विच सिग्निफाइज द नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, विच सिग्निफाइज द नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। नोट में ये लिख लीजिएगा, पहले ये फॉर्मूला लिख लीजिए फिर नोट में ये लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट एंड चौथा पॉइंट, नोट में नोट कर लीजिएगा। लास्ट रीडिंग है। कैपिलैरिटी, कैपिलैरिटी का मतलब क्या होता है पहले ध्यान सुनो। ठीक है, कभी आप लोग फ्रूटी पियो, फ्रूटी सब लोग पियो,
फ्रूटी में जैसे पाइप डालते हो तो ऐसा देखा होगा ना, तुरंत फ्रूटी बाहर निकल जाता है। कभी ऐसा देखा है? कभी सोचा क्यों निकल जाता है फ्रूटी बाहर? मैं जैसे आपको एक यहाँ पे भी एग्जांपल दिखा सकता हूँ, मेरे पास ग्लास है, मैं आपको दिखाता हूँ कैपिलरिटी होती है। मैं इस ग्लास में पानी भर लेता हूँ, इतना पानी तो मेरा बर्बाद हो जाएगा यार, तो चलो पौधे में चला जाएगा। ठीक है, इस पानी का लेवल देखो कितना है, सबको दिख रहा है? वीडियो वालों, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं? वीडियो वालों बताओ, पानी पानी का लेवल दिख रहा है आप सब लोगों को? चलो ये देखो पानी का लेवल दिख रहा हूं। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूं, एक ट्यूब डालता हूं, एक प्लास्टिक का ट्यूब है डालता हूं, प्लास्टिक के ट्यूब के अंदर देखो पानी का लेवल क्या है। कोई नजदीक आ जाओगे तो दिखाई देगा बहुत अच्छे से, बहुत दूर से नहीं दिखाई देगा। जैसे पानी डाला इसके अंदर, कोई आकर के देख सकता नजदीक से? नजदीक से देखोगे तो पानी का लेवल जो ट्यूब के अंदर है वो ऊंचा हो जाता है। आके देखो यहां से नजदीक से, यहां दूर से तो नहीं दिखेगा आप लोगों को। ये देखो पानी का लेवल कहां पर है, यहां पर देखो। जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, कोई आ जाओ, कोई आ जाओ, यहां से आकर देखो। देखो ग्लास के अंदर पानी का लेवल कहाँ है और ट्यूब के अंदर पानी का लेवल कहाँ है, देखो नजदीक आओ, नजदीक 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 ऊपर है ना। वीडियो वालों देख लो, ऑडियो वालों बोल रहे हैं ऊपर है। आप लोग को भी शायद मैं दिखाने का प्रयास करूँ, अगर दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है, वैसे दिखेगा नहीं। देखो पानी का लेवल दिख रहा है आपको कहाँ है, देखो ग्लास में पानी का लेवल देखो और ट्यूब में पानी का लेवल देखो, दोनों में देखो दिख रहा है? ट्यूब में कुछ ऊंचा है, दिख रहा है? इसी ट्यूब के अंदर जो लिक्विड राइज हो रही है ना, इसी को हम बोलते हैं कैपिलरिटी। द राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन ए ट्यूब इज नोन एज कैपिलरिटी। लिक्विड इसके अंदर राइज हो रहा है, जैसे आप फ्रूटी का पाइप डालते हो तो देखता होगा ना, तुरंत फ्रूटी बाहर निकलता है, मतलब लिक्विड राइज कर रहा है। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, कैपिलैरिटी। इसका एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल है, मैं आपको एक एग्जाम्पल बहुत बढ़िया बताता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो तो घर पे करके देखिएगा। एक ऐसा ही छोटा सा ग्लास ले लीजिएगा, ग्लास के अंदर घर पे नील होगा और पानी भर लेना, नील पानी या रेड कलर, कोई भी कलर, जो भी आप कलर डालना चाहें डाल लेना, और एक फूल तोड़ करके लाना, मान लो ये व्हाइट कलर का फूल है, ठीक है, इसको ला करके इसके अंदर रात भर रख दे, ऐसे छोड़ देना, फुल टच नहीं होना चाहिए, बस ये इसका जो स्टेम है वो पानी के अंदर रहे, ठीक है। और सुबह उठ करके देखोगे, जैसे मान लो ये अगर पानी आपके पास ब्लू कलर का था, ऐसे मान लो ये पानी आपके पास ब्लू कलर का, सपोज करो आपने नील डाला है या रेड कलर डाला है या ब्लू कलर डाला है, जो भी कलर डाला है, तो सुबह देखेंगे ना ये अगर ब्लू कलर का था तो इसमें भी ब्लू कलर ऐसे आ गया होगा, मतलब यहाँ का जो कलर है वो यहाँ से, इसके अंदर भी एक पतले पतले ट्यूब होते हैं, शायद आप उसका नाम सुनोगे जाइलम एंड फ्लोएम, है ना, यही ट्यूब क्या करेगा, इनको ऊपर तक ले जाने का काम करता है, जिसकी वजह से ये चारों तरफ स्प्रेड हो जाते हैं, ऐसे ऐसे स्प्रेड हो जाते हैं। दिल्ली दिल्ली में जाओगे ना तो जो बुके बनाते हैं सब ऐसे फ्लावर बनाते हैं, सब कलर्ड फ्लावर, कहेंगे हम इटली से मंगाए हैं, हम इंग्लैंड से मंगाए हैं, हम यहाँ से मंगाए हैं, लोग जानते नहीं है, कहते अच्छा ऐसा तो फूल हम देखे ही नहीं है भाई, खरीद लो खरीद लो, बढ़िया है कि नहीं। तो ये क्या काम है कैपिलैरिटी का, कभी गलती से आप फंस गए कहाँ, जंगलों में पानी पीने का मन कर रहा है, प्यास लगेगी तो आप कैसे शुद्ध पानी पियोगे भाई, जो नदी में पानी बह रहा होगा वो कैसा पानी होगा, गंदा होगा, कचड़ा होगा, है ना, कम से कम कचड़ा तो दूर कर ले भले प्योर ना हो। तो हम क्या करेंगे, दो बॉटल लेंगे, एक ऐसा बॉटल एक ऐसा बॉटल, आप घर पे भी करके देख सकते हैं, एक में मिट्टी मिला लेना, एक एक कंटेनर में मिट्टी वाला पानी ले लेना, सपोज करो ये पानी आपके पास, ये वाटर है, ये वाटर के साथ साथ इसके अंदर क्या मिक्स है, इसके अंदर मैं कचरा भी मिक्स करता हूँ, देखो इसके अंदर मैं ये मिट्टी वगैरह मिक्स है, ऐसे बालू है मिट्टी ऐसे मिक्स है, अब इसको पियोगे तो नुकसान तो करेगा ही करेगा, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक बर्तन ऐसे लेंगे, एक ऊपर एक को नीचे ऐसे रख देंगे थोड़ा सा हाइट पर, फिर क्या करेंगे दूसरा एक यहाँ पर एक बत्ती बनाएंगे, बत्ती समझ रहे हो, कैसा वो जैसा नहीं होता तो ढिबरी में बत्ती, या गमछा होगा या कपड़ा होगा, पतला कपड़ा काट करके इसके अंदर ऐसे लटका देंगे इसमें से ऐसे। अब क्या होगा, इसमें से जो वाटर है इस ट्यूब के सहारे, जो वाटर है वो इस ट्यूब के सहारे ऐसे ऐसे आएगा इसमें से, और यहां पे जो पानी आएगा वो एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी होगा,
और जितने कचड़ा होंगे वो यहीं रुक जाएंगे ऐसे। सिर्फ इसमें से पास क्या हुआ? वाटर पास हुआ, कचड़ा यहीं का यहीं ऐसे आपके पास रुक गए, ऐसे ये आपके पास कचड़ा यहीं यहीं रुक गया, पानी इधर आ गया। कम से कम पीने योग्य तो पानी हो गया, पानी बालू वालू तो नहीं, गिनाएगा मुंह तो नहीं। तो ये भी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? कैपिलरी राइज हो रहा है लिक्विड। जैसे आपने देखा होगा मम्मी लोग डिबरी जलाती है, डिबरी नाम सुना है? वो बत्ती एक लगी होती है ऐसे लंबा सा, मिट्टी का तेल इसके अंदर डाला गया होता है और बत्ती जलाते हैं तो यहाँ पे ऐसे जलता रहता दीपक, ठीक है? क्या होता है ये जो इसके अंदर आप बत्ती ऐसे डाले हुए हैं, ये एक ट्यूब का काम करता है। इसमें लिक्विड जैसे इसमें डालते हैं, ये लिक्विड क्या होता है इसमें राइज होता है और यहाँ पे फ्यूल आता है और ये बर्न होने लगता है। ये भी किसका फिनोमिना है? कैपिलैरिटी का फिनोमिना है, समझ में आ रहा है? तो कैपिलर का मतलब ही होता है ट्यूब, और उस ट्यूब में लिक्विड राइज करे या फिर फॉल करे, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? कैपिलैरिटी। बात समझ में आ गई? यस नो? वीडियो वाले बच्चों आया? यस सर। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखे कैपिलैरिटी, लिखेगा द फिनोमिना ऑफ द फिनोमिना ऑफ राइज और द फिनोमिना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब इन अ कैपिलरी ट्यूब इन कंपेरिजन टू द सराउंडिंग्स इन कंपेरिजन टू द सराउंडिंग्स इन कंपेरिजन टू द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड कैपिलैरिटी कॉल्ड कैपिलैरिटी कॉल्ड कैपिलैरिटी, ठीक है? अब इसके बाद हम बात करते हैं एक एसेंट फॉर्मूला का, लास्ट टॉपिक है एसेंट फॉर्मूला। ये जो लिक्विड राइज हो रहा है किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? पानी में डालेंगे, सेम लेवल का पानी ले लो और सेम लेवल का ऑयल ले लो, दोनों में ऐसे डाल करके देखते हैं, एक ट्यूब सेम डायमीटर का ट्यूब डालते हैं, तो हो सकता है पानी में ज्यादा राइज करें और ऑयल में थोड़ा कम राइज करें, है ना? तो किसमें कैसे राइज कर रहा है उसको बताने का काम कौन करता है? एसेंट फॉर्मूला। एसेंट फॉर्मूला कैसे होगा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा आसानी से आपको, ठीक है? सपोज करिए मेरे पास ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने क्या रखा है? वाटर रखा है या कोई भी लिक्विड भरा हुआ, ठीक है? उस लिक्विड की डेंसिटी रो है मान लेते हैं। इसके अंदर हम एक ट्यूब डालते हैं, ये हमारे पास सपोज करिएगा एक ट्यूब है ऐसे, इसके अंदर हमने ट्यूब को इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है? ये जो ट्यूब है इस ट्यूब के अंदर जैसे ही इस ट्यूब को इसमें डालोगे तो इसके अंदर लिक्विड क्या करेगा? राइज करेगा कि नहीं करेगा? जल्दी बोलो, करेगा। और इसका शेप ऐसा बन जाएगा। पानी कभी भी गिलास में देखोगे ना तो पानी का शेप ऐसे दिखाई देता है, थोड़ा किनारे से उड़ जाता है, इधर किनारे से उड़ जाता है, नीचे ऐसा रहता है, इसको बोलते हैं कॉनकेव मेनिस्कस, ठीक है? अच्छा, अब ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले जो ये ट्यूब है इस ट्यूब का हम रेडियस ले लेते हैं स्मॉल आर। इस ट्यूब का रेडियस क्या ले लेते हैं? स्मॉल आर। और इसको जैसे बढ़ाओगे, ये जो वाटर वाला ये भी तो ऐसे गोल गोल बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो हम इसको अलग से बना लेते हैं, इस फिगर को समझाने के लिए आपको अलग से बना लेते हैं कि आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो मान लो ये लिक्विड ऐसा गोल बना, ये लिक्विड ऐसा गोल बन रहा है, ठीक है? ब्लू है तो इसको ब्लू कलर कर लेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी, ठीक? ये लिक्विड ऐसा आपके पास बन रहा है, ठीक? तो ये तो हो गया आपके पास यहां से यहां तक होगा, ये कहलाएगा आपके पास रेडियस ऑफ ये लिक्विड। ये लिक्विड का जो रेडियस होगा उसको हम कैपिटल आर बोलेंगे, इसका भी तो कहीं ना कहीं रेडियस होगा, इसको हम क्या बोल लेते हैं? कैपिटल आर। और ये स्मॉल आर क्या था बताओ? स्मॉल आर था इस ट्यूब का रेडियस, ठीक है? इतना सबको पता है, एक बेसिक सा अलग से फॉर्मूला बना लेते हैं। तो सिंस वी नो दैट एक्सेस प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड ड्रॉप कितना होता बताओ?
एक्सेस प्रेशर, जीरो हाँ एक्सेस प्रेशर एक्सर्टेड एक्सर्टेड बाय लिक्विड ड्रॉप कितना होता है, पी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सिग्मा बाई आर, पढ़ा है ना हम लोगों ने। अगर ये हमें आर पता चल जाए तो काम बन जाए। तो ये आर कैसे निकालेंगे, ये एंगल को हम बोल लेते हैं बच्चों थीटा, इस एंगल को क्या मान लेते हैं थीटा। तो इसमें से कॉस थीटा निकाल लो, बताओ बच्चों कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। थीटा के ठीक सामने वाला साइड परपेंडिकुलर कहलाता है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या कहलाता है हाइपोटेनस, जो बच गया वो क्या कहलाएगा बेस। तो बेस क्या हो गया स्मॉल आर अपॉन में हाइपोटेनस क्या हो गया कैपिटल आर। तो कैपिटल आर की वैल्यू निकालना, तो कैपिटल आर इक्वल टू क्या होगा आर अपॉन में कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहां से क्या करते हैं आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे ही पुट करेंगे तो क्या मिलेगा P इज इक्वल टू टू सिग्मा अपॉन में R की जगह होगा R अपॉन में cos थीटा। लिख सकते हैं क्या cos थीटा कहां चला जाएगा ऊपर, तो P इज इक्वल टू क्या मिला टू सिग्मा cos थीटा अपॉन में R, इक्वेशन नंबर इसको बोल लेते हैं थर्ड, बोल सकते हैं। चलो अब सिंस वी नो दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम क्या होता है, सिंस वी नो दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट द बेस ऑफ कंटेनर, एट द बेस ऑफ कंटेनर, कंटेनर के बेस पे कोई लिक्विड है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है एच रो जी, पढ़े हैं हम लोग इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल लेते हैं फिफ्थ बोलते हैं। अब इन दोनों प्रेशर को हम लोग आपस में क्या करेंगे इक्वेट कर लेंगे, मतलब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट क्या मिलेगा बच्चों बोलो, एच रो जी बराबर हो जाएगा टू सिग्मा कॉस थीटा अपॉन में आर। अब यहां से एच की निकालना है कितना हाइट ऊपर राइज करेगा, तो एच इज इक्वल टू होगा टू सिग्मा कॉस थीटा अपॉन में रो जी आर, ये फॉर्मूला वाला इसी को हम बोलते हैं एसेंट फॉर्मूला। अब जल्दी से बच्चों हम एक इसमें क्वेश्चन पूछने देखते हैं कौन बच्चा बता लेगा, जल्दी से बता दो कि वाटर का डेंसिटी ज्यादा होता है कि ऑयल का, वाटर का, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसके अंदर राइज कैसा होगा कम। इसका मतलब एक ट्यूब को ऑयल में डालते हैं और पानी में डालते हैं तो किसका लेवल ज्यादा राइज करेगा ट्यूब के अंदर, ऑयल के अंदर, क्यों ऑयल के अंदर क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है तो उसका राइजिंग क्या होगी ज्यादा होगी। दूसरा डिपेंड करता है रेडियस पे, एक इतना मोटा ट्यूब डालें, कहां के बैठी ट्यूब गायब हो गया क्या, एक इतना मोटा ट्यूब डालें, चलो सिंपल सी बात बोलते हैं यहीं पे दिखाते हैं, एक इतना मोटा ट्यूब डालें और एक इतना पतला ट्यूब डालें, किसके अंदर लिक्विड ज्यादा राइज करेगा, तो जिसकी रेडियस कम होगी उसके अंदर राइज भी क्या होगा ज्यादा होगा, तो पतले वाले में ज्यादा ऊपर तक आएगा और मोटे वाले में थोड़ा कम तक राइज करेगा। उसी तरह से एच की वैल्यू और किस पर डिपेंड करेगी स्मॉल जी पर, जी की वैल्यू जहां कम होगी वहां लिक्विड क्या होगी ज्यादा राइज रेज करेगा। वही बोलते हैं ना जब हम लोग स्पेस में जाते हैं तो पेन लेकर के जाएंगे तो उसमें से लिक्विड क्या होना होता है रेज करने लगता है ऊपर की ओर, क्योंकि वहां जी की वैल्यू क्या होती है कम होने लगती है। साथ में अगर सरफेस टेंशन बढ़ाएंगे तो भी एच की वैल्यू क्या होगी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, बात समझ आ गई। इसी फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं एसेंट फॉर्मूला, यही ये वही बताता है क्या क्या ऐसा करें जिसके वजह से ट्यूब के अंदर लिक्विड का लेवल राइज करने लगे या फॉल करने लगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं मतलब इंपॉर्टेंट है,